तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल ब्रह्मा में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 2। दोस्तों हम कह रहे हैं पोकेमॉन शाइनी विक्ट्री। तो पिछले ही एपिसोड में हम फाइनली प्रोफेसर के पास जाते हैं अपना पहला पोकेमॉन लेने के लिए। हम फाइनली पोकेमॉन अपना जो पहला लेते हैं वो लिटन होता है। उसके बाद हम जाते हैं आगे की तरफ जहाँ पे हमें पिकाचू मिल जाता है, जिसको हम घर छोड़ के आए थे, पर वो हमारे पास दोबारा वापस आता है ताकि वो हमारे साथ इस जर्नी में जा सके। तो फाइनली पिकाचू हमारे टीम में आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं अगली स्टूडियो की तरफ जहाँ पे हम मिलते हैं गैरी से, उसके बाद एक मिस्टीरियस सी लड़की से, फिर हम मिलते हैं आगे फोर इलाइट्स में से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सामने पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है। तो दोस्तों ये है आर्मोल्ड। तो इस क्वेश्चन का जवाब किसने नहीं दिया था दोस्तों? अगर आप डी पोकेमॉन आर्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे। तो कुछ कुछ स्ट्रीम पे आने वाला है। चलो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और जरा देखते हैं भाई इसमें अब हम अपना पहला जिम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अभी अभी हम तक कट भी नहीं मिला है, तो भाई कट का क्या सीन होने वाला कुछ पता नहीं है। मैंने भी ज़्यादा इन लोगों से बात नहीं की है पूरी सिटी के अंदर जहाँ पे हमें कट मिल सके, तो भाई कट का भी कोई सीन नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे होने वाला, क्योंकि हमें अपना फ्लाइंग और ग्रास टाइप पोकेमॉन भी चाहिए। तो यहाँ पे लड़की हमसे फाइट करने वाली है और मैं इन दोनों को हरा दूंगा आराम से। मुझे बस जिम लीडर की टेंशन है क्योंकि उसके एंड वाला पोकेमॉन आई थिंक पोशन यूज़ कर सकता है, बहुत चांसेस है वो पोशन यूज़ करेंगे और पहला बैटल भी है तब भी। चलो यहाँ पे इसका पहला पोकेमॉन आ चुका है तो हम पिकाचू का डबल किक से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ डबल किक सुपर फैक्टिव होना चाहिए इसको। चलो देखते हैं कितना डैमेज पड़ता है। ठीक है भाई सही डैमेज था, इतना कुछ खास नहीं था फिर भी ठीक है, हमने पूरा वन हिट के कर दिया। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आएगा। लेवल भी हमारा थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, और मैंने इसका लेवल इसलिए गेन किया था ताकि भाई हमें इन जैसे पोकेमॉन्स का टेंशन ना हो, क्योंकि हमारे जिम लीडर इससे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो हाँ थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ से भी। तो बाकी लिटन भी हमारा आई थिंक सही लेवल का है, और साथ में मैंने एक नया पोकेमॉन भी पकड़ लिया है। तो बस ठीक है, हमारे पास तीन पोकेमॉन हो चुके हैं। कोशिश करेंगे हम पोकेमॉन लीग तक ऐश की पूरी टीम को बिल्डअप कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम शायद एक दो पोकेमॉन ना पकड़ पाएँ अगर ऐश के पास जो थे मेनली सन एंड मून में, जितना मुझे लगता है। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे हम जल्दी जिम लीडर तक पहुँच जाएंगे, तब भी मैं बैटल कर रहा हूँ इससे कि चलो थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमें। तो देखते हैं इसमें कितने पोकेमॉन यूज़ करने वाला है ये। ओके दो पोकेमॉन ही हैं इसके पास, तो मेनली ये लोग नॉर्मल टाइप पोकेमॉन यूज़ कर रहे हैं शायद, नॉर्मल ही है। हाँ फ्लाइंग में नॉर्मल भी है ये, फिर भी मुझे थोड़ा शक हो रहा है, पर लगता तो है नॉर्मल टाइप में यूज़ कर रहे हैं शायद। नॉर्मल जिम होने वाली है, नॉर्मल टाइप जिम। ठीक है फिर देखते हैं। टैकल अगर हम दोबारा थंडर शॉक करेंगे तो हम जीत सकते हैं आराम से। पैरालाइज करने का कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं मुझे, तो शायद इसका पहला अटैक मिस हो जाए। चलो फिर भी हमने इसको डिफीट कर दिया हुआ है। इसका एक पोकेमॉन जा चुका है, एक ही रहता है हराने के लिए। देखते हैं वो किस टाइप में होने वाला है। ओके पिकाचू 14 लेवल का हो गया, सही जा रहा है पिकाचू, ये ठीक है भाई। चलो अब अगला पोकेमॉन देखते हैं इसका। हाँ ये मेनली नॉर्मल टाइप पोकेमॉन जिम ट्रेनर होने वाला है, तो हाँ इसको रहना इतना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। पहला जिम आराम से निकाल लेंगे, मुझे यही डर था अगर पहला जिम रॉक टाइप में होगा या वॉर टाइप में तो हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज में चल रहे थे। अगर फायर टाइप होती तो हाँ बिल्कुल डिसएडवांटेज था हमें फायर या फिर अपना रॉक टाइप में, पर हाँ फिर भी हमने इजी जीत सकते हैं इस बैच को। ये पहला बैच ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू बाकी बैचेस कैसे होने वाले हैं। चलो देखते हैं, ऐश के पास वॉर टाइप पोकेमॉन भी था शायद इसमें, नहीं शायद नहीं था। चलो देखते हैं। ओके पहले मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर और मैं पहले अपनी एसपी फुल करूँगा, उसके बाद इससे बैटल करूँगा, ठीक है ना? ऐसा सही रहता है, क्योंकि अगर मैंने अभी से फाइट लेने की कोशिश की, मैंने पोशन खरीदे नहीं है, तो अगर हमारे पोकेमॉन डिफीट होते थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पहले हम एचपी फुल करेंगे, उसके बाद इसे हम बैटल में उतरेंगे। मुझे लगता है कि हम इसको वन हिट कर पाएंगे आराम से, मुझे बार बार इसे मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेवल डिसेंट है हमारे, उससे थोड़े ऊपर ही होंगे, मुझे लगता है कि हम आराम से जीत सकते हैं ये बैटल पहला। चलो ठीक है अब जरा देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब बनता है यहाँ पे। मुझे लगता है मैं पोशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत कम है और मैं अभी चाहता हूँ ये पोशन लूँ। मैक्सिमम 6th-7th बैच तक तो मैं पोशन मेनली लेता भी नहीं हूँ किसी गेम के अंदर, बहुत रेयर चांस हो कि मैं जल्दी ले लूँ, ऐसा मैं जल्दी लेना चाहता नहीं हूँ। नॉर्मली मैं रीबस खरीदता हूँ ज़्यादा। तो ठीक है यहाँ पे हमारा चैलेंज बिगन होता है। अगर सबके पास दो पोकेमॉन थे तो इसके पास मैक्सिमम तीन होंगे, देखते हैं तीन तो होंगे ही होंगे इसके पास। और आई थिंक इसका ये शीप वाला पोकेमॉन है, या पता नहीं वुल्फलोन कहते हैं इसको, पता नहीं कौन सा बोलते हैं, तो ये शायद इसका मेन पोकेमॉन होने वाला है। ओके तो सिल्वर आ चुकी है यहाँ पे इसका पहला। हाँ ये ग्राउंड और नॉर्मल टाइप में आता है तो फेयर मैच है ये। हम डबल की शुरुआत करूँगी, ये लाइटर टाइप में है ना और हम आ सकते हैं ऐसे, ये रॉक टाइप में भी है, रॉक और ग्राउंड टाइप में है तो ज़्यादा लगता है इस पर मूव काम करने वाले नहीं, पर डबल की अच्छा काम किया इस पर।
तो हाँ, इसका एक पोकेमोन हमने टेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट पोकेमोन की बारी है इसकी। ओके नेक्स्ट पोकेमोन, ओके इसको हम यूज़ कर सकते हैं, हम लिटन को यूज़ करते हैं यहाँ पे। रॉक लफ को हम बाद में यूज़ करेंगे, एंड में शायद काम आ सके, वैसे बहुत रेयर चांस है कि भी काम आएगा, पर हाँ लिटन काम आ सकता है यहाँ पे अपना। ओके हम शुरुआत करते हैं एम्बर से, मुझे लगता है एम्बर बेस्ट होगा इसको। ये फ्लाइंग टाइप में ना एम्बर काम होना चाहिए भाई, सुपर इफेक्टिव होना चाहिए ना फायर टाइप मूव। तो नहीं यार सुपर इफेक्टिव तो नहीं, पर बर्न हो गया ये भी चलेगा मुझे तो। अरे पैक ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस पर। चलो अभी ये बर्न है ना तो अभी हम एडवांटेज में हैं, चलो हम हरा सकते हैं इसको। ये हुई ना बात। चलो अब देखते हैं इसका लास्ट पोकेमोन कौन सा हमारा लिटन के हैंडल कर पाएगा कि हमें पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा। मुझे तो लिटन हैंडल कर ही लेगा अगर ये पोशन यूज़ ना करे तो। हाँ कर लेगा लिटन हैंडल। ये अपना आ चुका है वूलॉन, और मुझे लगता है कि इस पर ये फायर टाइप मूव सुपर एक्टिव होना चाहिए। टैकल ठीक है, डैमेज डिसेंट है, इतना कुछ ख़राब नहीं है इसका, पर सुपर इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ग्रास टाइप में मिलेगा, वूलन है तो शायद सुपर इफेक्टिव हो, पर नहीं पोशन टाइप मुझे लगा ही था नॉर्मल पोशन तो यूज़ करेगा ये, पर हमारे पास पोशन नहीं है ना, मेरे पास था, तो मुझे लगता है कि हमें लिटन पे ही भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो एंड में पिकाचू यूज़ कर सकता हूँ मैं, पिकाचू बैकअप प्लानिंग के लिए। ठीक है यहाँ पे बर्न हो चुका है भाई, भोर क्या चाहिए हमें, बस आराम से जी सकते हैं हम। चलो बर्न हो जाएगा थोड़ा सा, ओ भाई थोड़ा सा बच गया, थोड़ी सी हेल्थ बच गई, मुझे बर्न थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे सकता है, पर नहीं बच गया ये। तो फाइनली हमने इसको डिफीट कर दिया हुआ, इसी के साथ हमें अपना पहला बैच मिल जाएगा, ये बढ़िया है। 30 लेवल की लिटन हो गई हमारी, ये भी ठीक है, हमारा विकसित जल्दी हो जाएगी, मैं 3 लेवल के बाद विकसित तो हाँ फिर ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास हमारा फर्स्ट बैच आ चुका है, इतना मुश्किल था फर्स्ट बैच का जिम को हराना, बाकी जिम देखते हैं भाई कैसे होने वाले हैं हमारे। ठीक है भाई बस करो ना, अब हमें देखते हम फ्लैश अटैक भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्लैश तो है भी नहीं हमारे पास, हमें कट चाहिए यार, कट चाहिए मेन। ओके यहाँ पे मिल चुका TM42, ठीक है कौन सा है ये बताया नहीं इसने कौन सा मूव है ये, तो बैच देख लेते हैं भाई बैच का क्या सीन है। बैच दे दिया क्या इसने, अरे हाँ दे दिया। नेक्स्ट जिम के बारे में बता रही है ये मैं, ठीक है अभी हमें आगे जाना है नेक्स्ट जिम के लिए। पहले मैं सोचा कट अटैक पूछ लें आसपास लोगों से, कट अटैक पता लग जाए कहीं पे हो, भाई कट अटैक का कुछ पता है यहाँ पे नहीं लगता, तो इसको कुछ पता कट अटैक के बारे में, नेक्स्ट बंदे से पूछ लेते घर के अंदर शायद कट अटैक पता हो किसी को। ओके तो ये पावरफुल अटैक सिखाने के बाद मेगा पंच, यार नहीं मेगा पंच हमने नहीं सीखना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मेगा पंच में। ये बताते हैं बंदा क्या कर सकता है, अरे यार ये भी कुछ खास नहीं बता रहा है, उससे तो लगता नहीं उम्मीद होगी कोई मेगा पंच है मेगा किक सिखा रहा होगा, छोड़ो हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अगर नहीं मिलता तो भाई बस फिर इसके बाद ना हम पोकेमोन सेंटर चलते हैं। नहीं यार देखो कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही है इन लोगों से, इस घर में अगर पूछ लेते हैं शायद कुछ खास मिल जाए। ओके इससे बात करते हैं अंकल से, पता है हमें पोकेमोन को ग्रेन करने से हमें नया टैक्स आ जाता है, तो कोई नई चीज़ बताओ। नहीं ये भी हमें पता है, हमें ये भी नहीं जानना है, इस लड़की से हम बात करता हूँ। ओके तो ये एक पोकेमोन ब्रीडर है जो मुझे ईवी देना चाहता है, ईवी रख लेते हैं, पीसी में शिफ्ट कर दूंगा मैं ईवी को, रख लेते हैं मना नहीं कर सकते, ईवी प्यार से दे दिया वो कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं फिर हम चलते हैं पोकेमोन सेंटर की तरफ, क्योंकि हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है मे बी, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ होगा, और जगह पे कुछ सामान मिल रहा हो मेरे हिसाब से, और यहाँ पे कट अटैक कहीं भी मुझे लगा नहीं कि हाँ मिल सकता है कहीं पे। तो ठीक है फिर पोकेमोन सेंटर चलते हैं। तो सब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, सब इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।